वेति रमे रामे मनोरमे शास्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महादेव जी क्या रावल जी महादेव जी माता पार्वती जी को बोलते हैं, बोले एक राम बोले तो उसका एक राम का हजार गुना फल ऐसा बताते। और वास्तव में देखा जाए रामचरित मानस में भी जब शंकर भगवान उनसे पूर्व माता पार्वती जी परीक्षा ली राम जी की, तो राम जी ने ऐसा सोचा, शंकर जी ने सोचा कि सती माँ बात सही नहीं बता रही, वो तो शंकर भगवान तो समाधि में चले गए, शायद 87,000 कितनी हजार वर्ष तक समाधि में रहे, आखिर में भगवान की साधना में लीन कौन से ये दो अक्षर राम नाम। इसलिए रामचरित मानस में राम नाम शिव सुमिरन लागे स्पष्ट आया। कई लोग ऐसी शंका करते महाराज कौन सा नाम ले गए, कौन सा क्या करे, वास्तव में देखा जाए शंका करने की जरूरत ही नहीं, स्पष्ट लिखा सब सुंदरकांड में देखो। विभीषण जी महाराज जाते हैं मिलने के लिए हनुमान जी महाराज उनसे, तो विभीषण जी राम राम बोलते तो हनुमान जी खुश हो जाते, ये बोलते भाई हनुमान जी खुश करने के लिए कौन सा नाम लेना चाहिए, स्पष्ट लिखा है तो राम राम, दो बार राम राम का वहाँ सुंदरकांड में। तो कहना मतलब ये है देखो राम जी ने मौका खूब दिया, बैठो राम जी ने मौका खूब दिया तो अपने को भगवान का नाम विशेष करके लेना चाहिए और सत्संग करना चाहिए जीवन में। जैसे पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे कि भाई शरीर के लिए अन्न जल मकान कपड़ा की आवश्यकता है, ऐसे ही अपने खुद आत्मा के लिए सत्संग की बहुत जरूरत है। सत्संग माने सत्संग, सत माने परमात्मा, उस परमात्मा का संग, ऐसा संतों ने कहा है। तो सार बात यही है देखो सत्संग होने से जीवन में बहुत कितना ही तकलीफ हो कितना ही कष्ट हो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। देखो सत्संग करेंगे इसका मतलब यह नहीं कि दुख नहीं आएगा, दुख तो आएगा लेकिन दुख का असर नहीं पड़ेगा। अब जैसे सत्संग करते हैं आप सब लोग, जो भी किसी का शरीर शांत हो गया तो सीधा मुख से राम 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 निकलेगा, और नहीं तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है जो आदमी सत्संग नहीं किया वो। तो सत्संग से बहुत फर्क है। और इस विषय में हमारे स्वामी जी महाराज खूब बोलते थे, जिस गांव में संत गए वो गांव कुछ अलग है और जिस गांव में